किसान दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ किसान दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। मानव सभ्यता और संस्कृति के श्रेष्ठतम वेद ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर ये बात कही गई है कि कृषि जीवन का आधार है, कृषि से ही धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। जी हाँ किसान दोस्तों, जब भी कृषि को स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है तो औषधीय पौधों की बात होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनका हमारी जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान है, या यूँ कहिए कि वो हमारा हिस्सा हैं। जैसे? अरे जैसे कि एक है ईसबगोल। हाँ, ईसबगोल तो अधिकांश भारतीय परिवारों में होता है और पेट के लिए इतना गुणकारी कि बहुत से लोग इसका नियमित रूप से सेवन भी करते हैं। जी मैं भी तो करता हूँ। तभी तो आपकी त्वचा इतनी अच्छी है और आपका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है। वैसे ईसबगोल को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 2 चम्मच ईसबगोल घोलिए और इसका सेवन करिए। एक ऐसा कमाल का औषधीय पौधा जिसकी भूसी पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और इसीलिए करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, बाजार में इसकी बहुत अधिक मांग है और ये वाकई में एक मुनाफे की खेती है। हाँ पृथ्वी, मुनाफे की खेती तो है ही, और इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी विस्तार से। जी हाँ, तो फिर देर किस बात की, आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से करें ईसबगोल की खेती। ये औषधीय पौधा ईसबगोल है। इसका वैज्ञानिक वनस्पति नाम प्लांटागो ओवाटा है। ईसबगोल एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार जैसे अनेक प्रकार के रोगों की आयुर्वेदिक औषधि है। ईसबगोल का उपयोग आइसक्रीम और अन्य चिकने पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। ईसबगोल का पौधा 1 मीटर तक ऊंचा होता है, जिनमें लंबे किंतु कम चौड़े धान के पत्तों के समान पत्ते लगते हैं। डालियां पतली होती हैं और इनके सिरों पर गेहूं के समान बालियां लगती हैं जिनमें बीज होते हैं। आधुनिक ग्रंथों में ये बीज मृदु, पौष्टिक, कसैले, लुआबदार, आंतों को सिकोड़ने वाले तथा कफ, पित्त और अतिसार में उपयोगी कहे गए हैं। ईसबगोल की भूसी बाजार में अलग से मिलती है। सोने के पहले आधा या 1 तोला भूसी फाँक कर पानी पीने पर सवेरे पेट स्वच्छ हो जाता है। ईसबगोल की उन्नत किस्मों में जवाहर ईसबगोल 4, गुजरात ईसबगोल 2, हरियाणा ईसबगोल 5, निहारिका, निमिषा और मयूरी प्रमुख हैं। ईसबगोल के उत्पादन के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट वाली मिट्टी की जरूरत होती है। भूमि की तैयारी के लिए जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी एवं पाटा चलाकर मिट्टी को समतल बनाया जाता है। इसके बीज का आकार छोटा होता है। समतल और भुरभुरी मिट्टी में बीजों की बुआई ठीक तरह से होती है। ये फसल शीतोष्ण जलवायु में अच्छा उत्पादन देती है। अधिक आर्द्रता और नमी युक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में ईसबगोल की खेती अनुकूल नहीं होती। इसके बीजों के अंकुरण के समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, पौधे की उचित बढ़वार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। कतार में बोने के लिए 4 से 5 किलोग्राम ईसबगोल के बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के पूर्व बीजों को 2 ग्राम डायथेन M45 और 1 ग्राम बाविस्टिन या मेटालेकिसिन 35 SD 6 ग्राम प्रति 6 किलोग्राम की दर से बीजोपचार करना अच्छा होता है। चूंकि बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए
इसमें बराबर मात्रा में रेत मिलाकर कतार में छिड़काव कर बोया जाता है। बोते समय ये सावधानी रखी जाती है कि बीज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरे जाएं। इसबगोल पौधे की खेती के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाना चाहिए। विशेषज्ञ की सलाह पर नाइट्रोजन, पोटाश भी जुताई के समय खाद में मिलाया जा सकता है। अंकुरण के 30 दिन बाद कल्ले निकलने की अवस्था पर दूसरी सिंचाई और 60 दिन बाद तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। इसबगोल में 2 निराइयों की जरूरत होती है। पहली निराई बुआई के 20 दिन बाद और दूसरी निराई 40 से 50 दिन बाद की जाती है। इसबगोल में 25 से 125 तक कल्ले निकलते हैं। पौधों में 60 दिन बाद बालियां निकलना शुरू होती हैं। करीब 115 से 130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। सुबह सुबह कटाई करने से बीज कम मात्रा में झड़कर गिरते हैं। 2-3 दिन खलिहान में सुखाकर बालियों को झाड़ लिया जाता है। आजकल ये काम मशीन द्वारा भी किया जाता है। इसबगोल की खेती से 10 से 15 हजार निवेश करने के बाद 3 से 4 महीने में ही 2.5 से 3 लाख रुपए तक किसान कमा रहे हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, इसबगोल यूं ही इतना अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा नहीं है, ये अधिकांश घरों में पाया जाता है। अगर निर्यात की बात करें तो औषधीय फसलों के निर्यात में इसबगोल का प्रथम स्थान है। हाँ बिल्कुल, जब भी मेडिसिन प्लांट फार्मिंग की बात आती है तो ये बिजनेस हमेशा से ही एक बेहतर मौका है, क्योंकि इसमें निवेश कम होता है और अधिकतम आय प्राप्त होती है। इसबगोल की खेती, उसका व्यापार इसी में से एक है। और जहाँ तक इसबगोल की बात है, चाहे उसकी भूसी हो या किसी अन्य तरीके से, तमाम तरीके की दवाओं में, फिर वो आयुर्वेदिक दवाएं हों या फिर एलोपैथिक दवाएं हों, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी, आपको पता है पूरे विश्व में जितना भी उत्पादन इसबगोल का होता है उसमें 80% हिस्सा भारत में उगाया जाता है। भारत में इसका उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन ऐसे प्रमुख ज़िले हैं जहां इसबगोल की खेती हो रही है। इसबगोल की खेती करने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की हर वक्त आवश्यकता होती है, इससे जुड़े आपके कई सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कृषि विशेषज्ञ से, साथ ही एक ऐसे किसान मित्र से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इसबगोल की खेती की, उनके क्या अनुभव रहे वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये फसल 4 महीने की है, फसल हमने लगा रखी है, ये 1 पानी की है। इसके बाद अगर इसे पानी नहीं भी मिला तो भी हो जाएगी, और मिल गया तो भी बढ़िया हो जाएगी। फिर उसे निकालने के बाद हम मार्केट नीमच ले जाते हैं, वहाँ ले जाके इसे बेचा जाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो किसान मित्रों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे औषधीय पौधे इसबगोल के बारे में, क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, इसबगोल के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ है औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर कुमार, मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान मित्रों को सबसे पहले ये बताएं कि आखिर इसबगोल की खेती करें क्यों? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेद में और डिफरेंट साधनों में इसका उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा इसके जो इसमें जो इसकी भूसी है, इसका बीज है, इसकी तासीर ठंडी होती है, ये लैक्जेटिव है, ये पेट को सही रखता है। इसबगोल के सीड का, उसके भूसी का उपयोग है ब्रेकफास्ट सीरियल सुबह के नाश्ते के रूप में, और आइसक्रीम में इसका उपयोग हो रहा है देश में अपने घरेलू उपयोगिता के लिए, तथा विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है। आज के समय में जहाँ फास्ट फूड का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जहाँ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसबगोल का उन कंट्रीज में उन लोगों के लिए एक इसबगोल एक अपने आप में वरदान है। लोग साहब ये बताइए कि इसबगोल की खेती में बुआई से लेकर के सिंचाई तक किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए? ये इसबगोल एक कूल सीजन क्रॉप है, जिसके लिए थोड़ा सा ये ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, ड्राई क्लाइमेट, और ये रबी सीजन में ये अक्टूबर नवंबर में इसको इसकी बुआई की जाती है, और ये मार्च तक ये पक के तैयार हो जाती है। इसके बुआई के समय टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम एक औसत टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तथा इसके कटाई के समय टेम्परेचर 30-35 के बीच में होना चाहिए, तथा कटाई के समय किसी तरीके की वातावरण में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, जिससे इसकी भूसी का इसका भूसी और इसका जो बीज है एक महत्वपूर्ण फसल है उस पर असर पड़ता है। इसलिए उस समय इसमें इसके कटाई के समय किसी भी तरीके की नमी नहीं होनी चाहिए। जब हम उसके बात करते हैं दूसरे में बीड मैनेजमेंट की, तो ये एक स्लो ग्रोइंग फसल है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए इसमें एक हैंड ब्रीडिंग मतलब हाथ से इसकी निकाई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि इसमें कोई भी रबी सीजन के खरपतवार इसमें ना आए और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। जब हम सिंचाई की बात करते हैं, तो इसमें इसको ऐसी जगह पर लगानी चाहिए सैंडी लोम ज़मीन में, जहाँ पानी न ठहरता हो, पानी की निकासी बहुत अच्छी हो, और इसको करीब 3-4 सिंचाई जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई 30 दिन बाद करते हैं, दूसरी सिंचाई इसकी बढ़वार पर करते हैं, तीसरी सिंचाई इसकी जो कि जब बीज बनता है उसकी जो मिल्किंग स्टेज होती है उस समय करनी चाहिए। इसके पकते समय इसमें पानी रोक देना चाहिए, क्योंकि उसे पकते समय सिंचाई देने से इसकी सीड की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए बाद में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, केवल 3 सिंचाई पहले ही करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जब इसबगोल की बात होती है तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है, और बुआई से पहले इसकी ऐसी कौन सी किस्म को अपनाया जाए, चयन कैसे करें कि सबसे अच्छी उपजाऊ इसकी जो खेती है वो बन पाए, उसके बारे में बताएं। गुजरात आनंद सेंटर से 3 वैरायटी उन्होंने निकाली हैं इसबगोल की, उसमें GI1 गुजरात इसबगोल 1, गुजरात इसबगोल 2, गुजरात इसबगोल 3। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मदसौ सेंटर से जवार इसबगोल वैरायटी निकाली है। इसके अलावा एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने HI हरियाणा इसबगोल या हिसार इसबगोल 5 ये वैरायटी निकाली है। तो अगर हम गुजरात के लिए ले रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि GI3 जिसकी पैदावार अच्छी है, और उसको हमें गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में लगानी चाहिए। जहाँ तक बीज का सवाल है, किसानों को कोशिश ये करना चाहिए, कोई भी जो गवर्नमेंट का सेंटर हो, ये सरकार का कोई भी केंद्र हो, चाहे वो किसी विज्ञान केंद्र है या कोई किसी विश्वविद्यालय है या कोई ICR का, जैसे आनंद में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट रिसर्च है, वहाँ से आप उच्च गुणवत्ता का सीड बीज ले सकते हैं, जिससे आपको कोई पैदावार में नुकसान नहीं होता तथा आपको कोई किसी तरीके का एक इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र के पास, जिन्होंने न केवल इसबगोल की खेती की बल्कि उससे मुनाफा भी कमाया। मेरा नाम श्यामलाल धाकड़, गांव हनुमंतिया, जिला नीमच है। मैं इस इसबगोल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये इसबगोल हमारे गांव में 15 से 20 साल पहले आई। इसबगोल जब आई तब हमारी दैनिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। जब इसबगोल हमने बहाना चालू करी तो इसमें खर्चा भी कम था और किसान को फ़ायदा होने लगा। धीरे धीरे किसान इसको बोता गया और फ़ायदा लेते गया। ये इसबगोल मतलब औषधि के रूप में काम आती है। इसमें
पेट संबंधित बहुत सी चीज़ों का भी फायदा है और इसकी लगभग पैदावार बीघे के हिसाब से 4 क्विंटल आती है, 10,000 रुपये क्विंटल बिकती है। पहले हमारी जो परंपरा की खेती रहती थी, जैसे गेहूँ बोना, चना बोना, उसी खेती में हम लगे रहते थे। सबसे पहले खेती करी तब हमें इसका तजुर्बा कम था, लेकिन 1-2 साल में इसका पूरी तरह से नॉलेज आ गया। इसे कैसे बोना है, कैसे काटना है, कैसे निकालना है, मंडी को कैसे ले जाना है, इसमें बहुत कम खर्च था। मतलब बीघे का खर्च 2 से 3 हज़ार रुपये मात्र था, बाकी 7-8 हज़ार रुपये मुनाफा हो जाता था बीघे में। ये फसल 4 महीने की है, फसल हमने लगा रखी है, ये 1 पानी की है। इसके बाद अगर इसे पानी नहीं भी मिला तो भी हो जाएगी, और मिल गया तो भी बढ़िया हो जाएगी। फिर उसे निकालने के बाद हम मार्केट नीमच ले जाते हैं, वहाँ ले जाके इसे बेचा जाता है। किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो इसबगोल लगाए ज़्यादा मात्रा में, इसका अच्छा मुनाफा है, किसान की दैनिक स्थिति इससे सुधरती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे अनुभवी किसान दोस्त ने इसबगोल की खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। आगे कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश से प्रतिवर्ष लगभग 120 करोड़ के मूल्य का इसबगोल निर्यात हो रहा है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश ईरान, इराक, अरब अमीरात, भारत और फिलीपींस हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनसे इस इसबगोल की खेती से जुड़ी हुई जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जी डॉक्टर साहब, अगर रोगों की बात करें तो मुझे बताइए कि इसबगोल की खेती में किस किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और उनका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है? इसबगोल एक औषधीय पौधा है, इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि केमिकल का उपयोग ना करें। हमें कोशिश करना चाहिए बिना केमिकल, क्योंकि हम इसके भूसी को, इसको सीड को डायरेक्ट यूज करते हैं, इसलिए इसमें अगर कोई हम अलग से फंजीसाइड या कोई हम इसमें कीटनाशी देंगे तो किसी की स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। तो इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डिले करके लगाएंगे, अगर टाइम भी लगाएंगे, इसमें ज़्यादा खाद दे देंगे, उसकी बर्बाद ज़्यादा होगी, बर्बाद ज़्यादा होगी तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उस ह्यूमिडिटी में ये डाउनी मिल्ड्यू बीमारी आ जाती है। तो मैं कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा इसको डिले करके 15 नवंबर के आसपास इसको लगाएं, जिससे कि थोड़ी सी पैदावार कम हो सकती है, लेकिन उसमें हमें डाउनी मिल्ड्यू बीमारी आने का एक वो खतरा कम हो जाता है। हम कोशिश करें इसको दूसरी तरीके से मैनेज करें, इसको केमिकल ना यूज करके इसको देसा लगा के हम करीब 40% तक इसके पैदावार को बचा सकते हैं। इसमें बीमारी आ जाती है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम फंजीसाइड को उपयोग करके इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए कि हमारे किसान मित्र कितने तरीके से इसका उत्पादन कर लाभ कमा सकते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, इसबगोल उनमें एक है, जिसकी भूसी को खुद प्रोसेस करके पैक बना के किसान एक MSME के तहत अपनी छोटी सी एक यूनिट लगा के उसको बाज़ार में उतार सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ये आत्मनिर्भर होने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लांट है। जी डॉक्टर साहब, तो बात आखिर में कटाई की आती है, तो ये भी बता दीजिए कि कटाई के समय पर किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? कटाई के समय किसी भी तरीके की नमी ना हो, नमी वातावरण में नमी ना हो, खेत में नमी ना हो, तथा पानी बिल्कुल ना हो, चाहे ऊपर का पानी हो या सिंचाई वाला पानी ना हो, अदरवाइज इसकी गुणवत्ता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। तो सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यही है कि इस समय उसमें नमी ना हो। दूसरा,
बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, आंधी हवा ना चले, क्योंकि इसका प्लांट बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है और इसमें जड़ बहुत हल्की होती है, तो अगर थोड़ी सी हवा चल रही होगी तो ये प्लांट उड़ सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है। तथा दूसरी ऐसी वैरायटी लेनी चाहिए जो नॉन सटरिंग टाइप हो, जिसमें बीज ना जड़ता हो, इस तरह की वैरायटी उपयोग में लानी चाहिए जो कि उसमें हमें बीज और भूसी आराम से मिल सके। डॉक्टर साहब, इसबगोल की खेती के बारे में आपने तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान दोस्तों, आइए इसबगोल की खेती से संबंधित कुछ और जानकारियाँ भी ले लेते हैं। किसान दोस्तों, एक हेक्टेयर में इसबगोल की फसल से लगभग 15 क्विंटल बीज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सर्दियों में इसबगोल के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे आमदनी और ज्यादा हो जाती है। किसान दोस्तों, अगर इसबगोल के बीजों को प्रोसेस कराया जाए तो और ज्यादा फायदा होता है। प्रोसेस होने के बाद इसबगोल के बीजों में से लगभग 30% भूसी निकलती है और यही भूसी इसबगोल का सबसे महंगा हिस्सा माना जाता है। इसबगोल की खेती में से भूसी निकलने के बाद खली, गोली जैसे अन्य उत्पाद बचते हैं, जो करीब 1.5 लाख रुपए तक में बिक जाते हैं। किसान दोस्तों, अब आप जानते हैं कि इसबगोल की भूसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। इसबगोल एक तरह से लैक्सेटिव की तरह काम करती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। इसबगोल का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसबगोल पेचिस, कब्ज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज आदि रोगों में बहुत गुणकारी है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धति में इसबगोल को औषधि या दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर इसबगोल भूसी को पानी में मिलाकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसबगोल की भूसी को पानी में मिलाने से ये चिपचिपा जेल जैसा मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण में ना कोई गंध होती है, ना ही कोई स्वाद होता है। इसबगोल में जिलेटिन पाया जाता है, जो शरीर में ग्लूकोज के विघटन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमी करती है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किसान दोस्तों, एक कृषक को इसबगोल के इतने गुणों का पता होना चाहिए। इससे उन्हें पता रहता है कि वो इसबगोल की फसल को किस तरह और कहां बेच सकते हैं। किसान दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश से प्रतिवर्ष लगभग 120 करोड़ के मूल्य का इसबगोल निर्यात हो रहा है। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश ईरान, इराक, अरब अमीरात, भारत और फिलीपींस हैं। इसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद है, जिसे इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है। तो दोस्तों, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। और आपको पता है पृथ्वी, जब भी बात इस तरीके की खेती की आती है तो एक प्रयोग के तौर पर औषधीय पौधों की खेती की गई थी, लेकिन आज की तारीख में परंपरागत खेती की तुलना में ये हमारे किसान मित्रों को दुगने से तिगना फायदा कर देती है। और अगर औषधीय पौधों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात की जाए तो इसमें अग्रणीय स्थान इसबगोल का है। तो आप भी इसकी खेती करिए और मुनाफा कमाइए, समृद्ध होइए। जी हाँ किसान दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इसबगोल से संबंधित भरपूर जानकारी मिल गई होगी। एक के बाद एक औषधीय पौधे के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए हम आते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान दोस्तों, ये है कलौंजी या मंगरेल या कलबंजी, और ये है कलौंजी के खेत। मुख्य रूप से कलौंजी की खेती
इसके बीजों के लिए ही करते हैं, जिसे आप अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहां एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से